भाई लोगों, कल गए थे हम थक, ठीक है, फिर उसके बाद आकर हम लेट गए, सो गए यार। मतलब कल खा पी गए, सेट हुए एकदम, क्योंकि दो दिन से हिचाइक कर रहा था। हिचाइक करने का मतलब पहली बार था अपना, तो यार थोड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे करने में, कर ली थी, पर दो दिन तक मैंने बहुत बढ़िया रहा मेरा। अब थकन उतर चुकी है, अब ये नेक्स्ट डे है हमारा अपना। चलो जी, ये आ गया थाना फूलपुर, अपन आ चुके हैं भैया के पास, ये आ चुके हैं अपना थाना। क्या नाम है थाने का? फूलपुर। ये रहा थाना, देखते हैं हमारे गुरुजी कहाँ मिलेंगे। कहाँ तक का सफर? तो भाई आ गए, राम राम भाई, भाई से दोबारा मुलाकात हो रही है भाई। अब सफर तो निकलेंगे, कलकत्ता का प्लान है, मतलब तो लिफ्ट मांग के। हाँ ऐसे ही। चलो भाई, पहले तो टाइम लगा, पहले तो मैं आया था, अब की बार ऐसे ही आया हूँ, अब की बार मतलब जीरो में आया हूँ। अच्छा, हाँ 100 रुपये खर्च किया अभी तक वहाँ से आ गए। हाँ आ गया यहाँ तक, अब यहाँ से भी जाने का प्लान है, कल निकलूँगा यहाँ से। चलो यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी ट्रेवल्स जो जर्नी है कम्प्लीट हो अच्छे से। हाँ अच्छा होगा, तो करते रहेंगे, रेगुलर है ना। मज़े शिफ्ट हो गए भाई यार। हाँ, ये नया थाना है ना मेरा। अच्छा, वहाँ से पोस्टिंग यहाँ पर हो गई। चलो बॉस, मिलते हैं। भाई लोग, आए हुए खत्म, और ये आ चुके हैं हम बनारस के अंदर, सिटी में प्रवेश कर चुके हैं, शिवपुर से एंटर किए हैं। भाई को नॉलेज ज़्यादा है, तो भाई की बात सुनो। नॉलेज मुझे पता, एग्जाम में आएगा एग्जाम में आएगा नहीं यार, पर जब भी लोकल का बंदा जो बता सकता है ना, वो तुम्हें कोई नहीं बता सकता भाई, जैसे हम हैं अपने एरिए के बता सकते हैं। अपन बनारस में है ना बॉस? हाँ, अब बनारस के अंदर है, प्रॉपर सिटी में आ गए हैं। आगे सिगरा पड़ेगा, सिगरा के बाद लंका हम लोग जाएंगे, लंका से बीएचयू जाएंगे, फुल एक्सप्लोर करेंगे आज रात। सामने लेफ्ट साइड में सर्किट हाउस है, कचहरी है, और राइट साइड में कमिश्नर का आवाज़ है। और इधर एक लोग निकल लिए हैं, राम राम सत्य है, मेरा कमिश्नर का आवाज़ है। कौशल राज शर्मा जो कि IAS अधिकारी हैं, उनका आवास ही है। पहले ये DM हुआ करते थे, बट जब से कमिश्नरेट हुआ है तब से ये हो गए हैं कमिश्नर यहाँ के। इधर पूरा वो है फॉरेस्ट वाला, वो नर्सरी होगी। हाँ नर्सरी, ये नर्सरी है भाई, बहुत जिला फेमस है। गर्मियों में सत्तू यहाँ पे लोग पीते हैं, एक लाइन से ढेर सारी दुकानें लग जाती हैं और यहाँ पे लोग सत्तू पीते हैं, कचहरी तो आते हैं। चलो फिर आगे दिखाते हैं, चलते हैं। भाई साउथ के बंदे तो बहुत है, प्रसिद्ध है, मतलब बंदों ने देखना, जैसे कि या आंटी है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, सबका कल्चर एक ही है, बस यार थोड़ा करने का हिसाब अलग है। जैसे आंटी के, जैसे ये देख रहे हो आप, जैसे आंटी बैठी हैं तो उनका मुंडन हो रहा है, तो इसका कोई रिवाज होगा। अगर कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा हो साउथ से,
तो भाई लोग रास्ते से गुजर रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो आप सबको पता है, और भीड़ देख रहे हो, ये देखो खचाखच डबल तिबल भीड़ है। इधर VVIP के रास्ते हैं, ये रहे इधर वाला VVIP, ये VVIP है यार, वही बात है ना, तो सेलिब्रिटी बनो, शांति से दर्शन करो, ये रेस वो बताइए चल रहा है। मंदिर बड़ा कॉरिडोर भाई, योगी जी के राज में बड़ा बड़ा ही भव्य है, खतरनाक बना है भाई, राज है, सिस्टम है योगी जी। अरे तेज बोलो, नमस्ते हो, गोदौलिया है, गोदौलिया इसलिए तो हमारे फेवरेट है। नाश्ता अपन ने कर लिया है, अब रणनीति हमारी यार एक मिठाई बोलेंगे या उसे क्या बोलेंगे ये तो मुझे पता नहीं है, पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो चीज़ और खाएंगे अभी, क्या बोलते हो मलाई, क्या बोलते हैं उस वाली मलाई ओनियन सैंडविच, अरे नहीं वो तो हमने खा लिया, वो जो खाएंगे मलाइयो। तो ये सर्दी का कुछ आइटम है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा तो मैं आपको बताता हूँ, मलाइयो खाएंगे आज हम, मलाइयो क्या भाई, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है तुम्हें? अरे दिल्ली में इसे बोलते हैं दौलत की चाट। अच्छा दौलत की चाट, तो भाई इसे बनारसी में बोल देते हैं मलाइयो, मलाइयो है ना, कानपुर और सब में पहले दौलत की चाट बोलते हैं। अच्छा दौलत की चाट, तो अपने दिल्ली में है दौलत की चाट है ना, लगी थी हमारा तो आई सोनी है। तो हम आ चुके हैं मनकणी का घाट, जैसे कि आप सब देख सकते हो, अरे का एक अंतिम संस्कार हो रहा है यहाँ पर, बस आया था यार आँखों से आंसू आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो बस धुआं हो रहा है इसलिए, और बचपन में जैसे शमशान घाट वगैरह हम जाते थे तो घर वाले बोलते थे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो अब यही है देख लो एंड है, ये दुनिया का सबसे लास्ट सीन है, कुछ नहीं है इसके आगे ना पीछे। मेरा जो आने का रीज़न था, जो एक्सप्लोर करने का रीज़न था ना बनारस को, वो ये भी था कि मुझे यहाँ पर आना था, क्योंकि एक अलग फील आती है, एक अलग ही एक नेक्स्ट लेवल फील आती है यहाँ पर आकर, भरम टूटता है भाई, ज़रूर आओ यहाँ पर एक बार, हमारी तो औकात क्या है पर आना चाहिए। अरे हमारे भैया जो आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो एक चीज़ इसमें, जैसे इनके पाँव कितने भारे हैं, पर लकड़ी का जो वो है ना मतलब बजूद, वो बहुत तगड़ा है, मतलब बड़ी लकड़ी है, लकड़ी लकड़ियाँ लग रही हैं सारे में, लकड़ी लकड़ियाँ। भाई बहुत फॉरनर हैं, अभी हिसाब फॉरनर हैं, देखने वाले भी खड़े, ये खड़े ऊपर, वे खड़े इधर खड़े हैं, ये खड़ा बंदा, सब यही देखने आते हैं कि कैसे करा जाता है, सब भगवान की माया है, भोले बाबा की कृपा है, जो भी है, मरना भी जरूरी है यार, वरना इंसान हैवान बन जाएगा। पानी का स्थल अब पहले से बहुत कम है, मैं पहले आया था ना तो ये वाला कॉरिडोर इतना बना था, अब ये वाला रास्ता बनाया है बीच से, ये आपको जलसैन करके कुछ पथ, हाँ जलसैन करके पथ है, ये वाला अभी बनाया है रिसेंटली, अभी बनाया है, एक मुझे हो गया एक दो साल पहले आया था मैं यहाँ पर, जब मैं आया था ट्रेन से 5-6 हज़ार लगा कर, अब मैं आया हूँ 0 बजट से, जो कि मेरा कोई पैसा नहीं लगा कुछ नहीं लगा, पूरे आराम से आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, है ना, बस एक्सप्लोर करने का बस इतना ही था, अब आगे जो जर्नी होगी वो आपको दिखती रहेगी, और रात को हम आरती देखते हैं, आरती देखने के बाद हमारा ये ब्लॉग एंड होगा, और भाइयों जो भी है मेरा भाई, जो भी चेक करना चाहता है भाई निकल जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब काम होता है, चलते फिरते सब काम होता है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट इज्जत मिलती है भाई बंदों को, हर कोई आपको रोक रोक कर बिठाएगा, पूछेगा, खाना खिलाएगा, मतलब अच्छा होता है, वो
वो एक आधी इंसिडेंट हो जाता है कि गलत हो गया कोई नहीं, पर लगभग अच्छा होता है। और भीड़ बहुत है, मंगल का दिन है आज, और भीड़ देखो बेहिसाब भीड़ है। चलो तो ठीक है, मिलते हैं शाम को आपको, जहाँ तक है अब यार अपने नाश्ता वास्ता तो हमने कर लिया था, आपने देख लिया था, अब हम शाम को मिलते हैं। अरे भाई परेशान है, भाई परेशान क्या, आती जाती माया है, ये तो सबके साथ होना है, हमारे साथ भी एक दिन होना है। भाई लोगों, हम आ चुके हैं दोस्त के कैफे पर, और यहाँ से देखो पूरा बीएचयू दिखता है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा बीएचयू है, ये मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो बीएचयू के अंदर पड़ता है ना। और देखो सनसेट, अब चलेंगे, 5 बज रहे हैं, 5 बजे के बाद 7 बजे करीब 80 घाट पे अपने आरती होगी, उसे देख के आएंगे, फिर क्या प्रोग्राम है फिर यार, बस अपना कल निकलना है। प्रोग्राम तो जुड़ता रहेगा, आपको दिखता रहेगा, और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा सा आपको टूर दिखा दूंगा मैं, तो भाई लोगों हम आ चुके हैं 80 घाट पर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, और अब आरती देखेंगे और हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। आरती को एंजॉय करें सभी मिलकर, और कल से हमारी जर्नी चालू होगी, जो कि हम निकलेंगे फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस पे, जो कि आपको दिख जाएगा अगली वीडियो में। तो चलो आरती को एंजॉय करते हैं, और आप सभी देखें मेरे साथ, और लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।